Hello everyone, today in this session we'll discuss about vegetative reproduction. What is vegetative reproduction? It is formation of new plants from vegetative units like buds, rhizomes, tubers, stem cuttings, etc. These vegetative units are also known as vegetative propagules. कई बार somatic parts parent body से detach होकर new individual डेवलप करते हैं, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये सोमेटिक पार्ट्स स्टेम, रूट, लीफ कोई भी हो सकते हैं। जब भी किसी सोमेटिक पार्ट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा तो सबसे पहले उसमें एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम बड कहते हैं। बड्स दो तरह के होते हैं, नोडल बड्स एंड एडवेंटिशियस बड्स। जो नोडल बड्स होते हैं वो एक्सिलरी या एक्स्ट्रा एक्सिलरी हो सकते हैं। अगर एक्सिल में बड प्रेजेंट है तो वो एक्सिलरी बड होगा, और नोड पर अगर एक्सिल के अलावा कहीं और अगर बड प्रेजेंट है तो उसे हम एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड कहेंगे। एडवेंटिशियस टाइप ऑफ बड जो होते हैं वो अगर स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कॉलिन बड कहेंगे, रूट्स पर प्रेजेंट होंगे तो रेडिकल बर्ड्स कहलाएंगे, अगर वो लीफ पर प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम फोलिया बर्ड्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई किया गया है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट्स, स्टेम्स, लीव्स या फ्लैशी बर्ड्स के द्वारा हो सकता है। रूट्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से बड फॉर्मेशन होती है और वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। स्टेम में हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं वो किस तरीके से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने में हेल्पफुल होती हैं। सब एरियल स्टेम्स में हम राना, स्टोलॉन, ऑफसेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एरियल स्टेम्स में हम ओपनशिया देखेंगे कि किस तरीके से ओपनशिया में जो डेवलपमेंट हो रही है न्यू इंडिविजुअल की वो कैसे हो रही है। लीव्स की जो प्रोपगेशन है वो मार्जिनल भी हो सकती है और टिप से भी हो सकती है। फ्लैशी बर्ड्स में हम बल्बिल्स और ट्यूरियंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम चार मेथड्स देखेंगे, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन को टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कहा जाता है। तो इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट्स। रूट रेडिकल बर्ड कैन बी प्रेजेंट इन टैप रूट एज वेल एज इन एडवेंटिशियस रूट्स। अब जो रूट में रेडिकल बर्ड होता है वो टैप रूट में भी हो सकता है, एडवेंटिशियस रूट्स में भी हो सकता है। टैप रूट्स में जैसे दलबर्जिया में एल्बिजिया, मुरैया, पॉपुलस, इनमें देखने को मिलता है। जो टैप रूट होती है उसमें एक बड डेवलप हो जाता है। जब वो बड डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है। इसी तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स में भी हमें इस तरीके के बड देखने को मिल सकते हैं। ये जैसे डेलिया है, इसके ये ट्यूबरस रूट है, जब ये ग्रो करेगी, इसमें बड जब ग्रो करेगा तो यहाँ पे लीफी शूट बनेगा, और वो लीफी शूट जो है उसे हम स्लिप कहते हैं, और इसी के बेस में एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो स्लिप बनेगी ये एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगी। स्टेम्स, स्टेम्स को हम अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम के अंडर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है राइजोम, कॉम, ट्यूबर, बल्ब और सकर्स में। राइजोम, राइजोम एक ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि ब्रांच्ड होती है। बाकी कोई भी अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच्ड नहीं है। ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी सरफेस पे या फिर बीनीथ द ग्राउंड। इसमें फूड स्टोर्ड होता है जो कि हेल्पफुल होता है पेरिनेशन के लिए ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। एग्जांपल्स हैं इसके जिंजर, टर्मरिक, एडियंटम,
एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, एस्पीडियम एक्सेट्रा में। नेक्स्ट है कॉर्न। कॉर्न जो है वो स्फेरिकल या सब स्फेरिकल होता है शेप में, और इसमें ये अनब्रांच्ड होता है, स्वोलन होता है, और इसकी जो नोड्स हैं वो सर्कुलर होती हैं। इस पे नोड्स पे जो बड ग्रो करता है वही हेल्पफुल होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए। एग्जाम्पल हैं इसके क्रोकस, ग्लैडियोलस, एमॉर्फोफेलस, टैरो एट्सेट्रा। ट्यूबर। ट्यूबर ऐसी स्टेम है, इसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड है ये स्टेम जो है वो टिप पे स्वोलन होती है, और इसमें जो बर्ड्स होते हैं ये एक्सिलरी होते हैं। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स एब्सेंट होती हैं, ये हमें पोटैटो, आर्टिचोक या यैम्स वगैरह में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सकर्स। सकर्स स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती हैं जो कि एरियल शूट के बेस से डेवलप करती हैं। कुछ डिस्टेंस तक ये ग्रो करेंगी और फिर न्यू एरियल शूट्स फॉर्म करेंगी। ये हमें क्राइसेंथेमम या मिंट में देखने को मिलती है। बल्ब्स। बल्ब टू टाइप के होते हैं, ट्यूनिकेटेड एंड इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट को हम स्केली भी कहते हैं। ट्यूनिकेट को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम सिंपल ट्यूनिकेटेड और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड में। सिंपल ट्यूनिकेटेड में बाहर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिससे हम ट्यूनिक कहते हैं। इसमें स्टेम रिड्यूस्ड होती है, स्टेम से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करती हैं, और इस स्टेम के ऊपर बर्ड्स सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं, और इन बर्ड्स को कवर कर रखती हैं स्केली लीव्स। जो लीव्स हैं वो स्वोलन होती हैं और वो फूड स्टोर करके रखती हैं। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो हमें इसमें कंसेंट्रिक मैनर में अरेंज्ड दिखाई देंगी ये लीव्स। ये एग्जांपल है इसका अनियन। कंपाउंड ट्यूनिकेटेड का एग्जांपल है गार्लिक। इसमें क्या होता है कि जो ये क्लव्स हैं ये भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, और ये कंप्लीट भी सारी क्लव्स कंप्लीटली भी एक ट्यूनिक से कवर्ड होती हैं, इसलिए इसे कंपाउंड ट्यूनिकेटेड कहा जाता है। स्केली और इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है लिली। ये किसी ट्यूनिक से कवर्ड नहीं होता, मतलब कॉमन ट्यूनिक नहीं होते इसमें। नेक्स्ट है सब एरियल स्टेम्स। सब एरियल स्टेम्स जो होती हैं वीक स्टेम्स होती हैं जो कि सॉयल सरफेस पे स्प्रेड होती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रनर्स, स्टोलॉन और ऑफसेट के बारे में। रनर्स जो हैं फ्रॉम द बेस ऑफ क्राउन सब एरियल स्टेम ओरिजिनेट्स विच मे बी मैनी इन नंबर विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली। मीन्स ये बेस में से, क्राउन जो है उसके बेस में से ये स्टेम डेवलप होती है, और ये किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है, ओरिजिनेट कर सकती है, और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी। इसमें इंटरनोड्स जो होते हैं वो वेरी लॉन्ग होते हैं। एग्जांपल्स हैं इसके ग्रास, सेंटेला एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्टोलॉन। स्टोलॉन हमें स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो स्टेम है वो स्लाइटली आर्च्ड होती है, मतलब जब ऊपर की तरफ ग्राउंड में ऊपर की तरफ ये डेवलप करेगी और उसके बाद ये वापस ग्राउंड में टच करेगी और फिर वहाँ पर इसमें रूट्स डेवलप होंगी। इंटरनोड्स जो हैं वो रनर्स से कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं। ऑफसेट जो सब एरियल के थर्ड टाइप है ऑफसेट। इसमें ऊपर की साइड टफ टफ लीव्स देखने को मिलती हैं और नीचे की साइड एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और इसकी ग्रोथ भी हॉरिजॉन्टल होती है। जिस तरीके से रनर्स होते हैं हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, बट इनका जो इंटरनोड होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉलर देन रनर्स होता है। तो रनर के जो इंटरनोड है उससे ये छोटा होता है, और इसमें सिर्फ एक इंटरनोड प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे हम सिंगल इंटरनोड रनर भी कह सकते हैं। ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, और जब ये ब्रेक करता है तो ये न्यू
इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल है इसके ये पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ। एरियल शूट्स में ओपुंशिया है, इसकी कोई भी सेगमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। यहाँ पे ये कुछ कैक्टाई हैं, ये भी किसी स्टेम सेगमेंट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं। लीव्स फॉलियर बर्ड पोजीशन कैन बी ऑन मार्जिन और ऑन टिप रीजन। क्योंकि लीफ में जो बर्ड होता है उसे हम फॉलियर बर्ड कहते हैं। इसकी पोजीशन मार्जिनल भी हो सकती है और ऑन टिप भी हो सकती है। मार्जिन पे जैसे ब्रायोफाइलम में देखने को मिलती है और एडियंटम में ये टर्मिनल या टिप पर होती है। यही हेल्पफुल होती हैं न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने में। लास्ट है फ्लैशी बर्ड्स। फ्लैशी बर्ड्स में हम बल्बिल्स एंड क्यूरियंस के बारे में पढ़ेंगे। बल्बिल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर फ्लैशी और लार्ज साइज्ड बर्ड्स होते हैं। ये फेवरेबल कंडीशंस के दौरान न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं और इन्हें हम पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये ऑक्सेलिस लिली अगेव में पाए जाते हैं। ट्यूरियंस जो हैं ये स्वोलन बर्ड होते हैं, इनमें फूड स्टोर होता है। ये डिटैच करके पूरे विंटर इनएक्टिव रहते हैं और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो ये न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। एग्जांपल है इसमें अट्रिकुलेरिया जो कि एक वाटर प्लांट है। होप आपको समझ आ गया होगा।